फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बेटा ये क्वेश्चन यदि आता है शॉर्ट नोट में तो तुम क्या करना, ए इंट्रोडक्शन लिखना कि हम 21st सेंचुरी में हैं, पिछले 100 साल में इसका काफी डेवलपमेंट हुआ, ये तुम इंट्रोडक्शन लिखोगे। मीनिंग ह्यूमन रिसोर्स लोगों को, सही लोग को सही समय पे अपॉइंट करना, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर उनका प्रमोशन, प्लेसमेंट, ट्रांसफर, ये सब ह्यूमन रिसोर्स आएगा। और सी डेफिनेशन बोलना और तुम्हारा डी फीचर्स होगा। आया समझ में? सो ए शुड बी इंट्रोडक्शन कि पिछले 100 साल में काफी डेवलपमेंट हुआ। बी मीनिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब सही लोगों को सही समय पे अपॉइंट करना, ठीक है। फिर सी डेफिनेशन जो रट्टा मारना तुम्हारा होना चाहिए, और डी फीचर्स। अब हम एक एक करके देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है। इट इज एन आर्ट ऑफ हैंडलिंग मैन पावर। सी कोई भी कंपनी में रिसोर्सेज लगते हैं। रिसोर्सेज को इकोनॉमिक्स में मीन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन्स, MEANS। लेकिन हम वर्ड क्या करेंगे, रिसोर्सेज यूज करेंगे। रिसोर्सेज बहुत बड़ा वर्ड है भाई। तुमको पढ़ाई के लिए बुक्स लगते हैं, तुम्हारे लिए वो रिसोर्सेज है। मैं सिखा रहा हूँ, लैपटॉप प्रोजेक्टर चालू है, ठीक है ना, बोर्ड है, ये मेरे लिए रिसोर्सेज है। इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत बड़ा रिसोर्सेज है। बहुत लोग के लिए पैसा रिसोर्सेज है। आया समझ में? कॉलेज के लिए टीचर्स सबसे बड़े रिसोर्सेज हैं। सो सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा, इट इज एन आर्ट ऑफ हैंडलिंग मैन पावर। मैं तुमको एक एग्जांपल दूंगा कि इंफोसिस जो कंपनी है पुणे में, उसमें करीबन 20 देश के लोग काम करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स इज पीपल मैनेजमेंट, इट इज द एबिलिटी टू हैंडल देम। अलग अलग देश का अलग 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 एटीट्यूड लेकर आते हैं। कुछ देश के लोग एग्रेसिव होंगे, कुछ शांत होंगे, है ना। तो ऐसे अलग अलग लोगों को हैंडल करना, उनको अपॉइंटमेंट रखना, उनको खुश रखना, कहीं ऐसा ना हो कि नाराज होके छोड़ के जाए, ठीक है ना। इट और ऐसा पाया गया है 60 to 70% आदमी ने कभी ना कभी गुस्से में छुट्टी लिया है। बॉस से झगड़ा हुआ, कलीग से झगड़ा हुआ, तो 60 से 70% लोगों ने एक बार एटलीस्ट छुट्टी लिया है, बिकॉज उन लोग इतने गुस्से थे कि गए नहीं। इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। अब तुम एक मंदिर ले लो, मंदिर में मेन जो संपत्ति को संभालते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रस्टी। फिर आते हैं पुजारी, फिर क्लीन करने वाले। कितने काम है भाई मंदिर में। साई बाबा संस्थान शिरडी में ट्रस्टी ही नहीं, उनको वॉचमैन लगेंगे, वीआईपी पास के लिए लोग लगेंगे, गेट में लोग लगेंगे, वो जो उदी देते हैं ना, जो राख रहता है उसको उदी बोलते हैं, वो देने वाला अलग लगेगा, झाड़ू मारने वाला, पंडित, इसका साफ सफाई, ज्वेलरी का वैल्यूअर्स लगेंगे, कितने संपत्ति आई, कैश आया तो अकाउंटेंट्स लगेंगे। तुम कम से कम 100 200 लोग का काम है वो, उससे कम नहीं होगा। इतना बड़ा संस्था है वो साई बाबा संस्थान, तो यूनिवर्सल नेचर है। तुम मंदिर, गवर्नमेंट ले लो, कंपनी ले लो, सबको तो मैनेज लोग लगते ही ना, इन लोगों का मैनेजमेंट को क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स। तुम एग्जाम में पॉइंट्स मत लिखना, टाइम नहीं मिलेगा डायरेक्टली। ये थर्ड पॉइंट और फिर डिटेल एक्सप्लेन करना। मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों बोलते हैं, कि गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, अलग अलग जगह से, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ले लो, ठीक है ना, गवर्नमेंट को लगता है, प्राइवेट सेक्टर रिलायंस ले लो, पब्लिक सेक्टर SBI ले लो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ले लो, छोटे मोटे जो दुकान है, एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड। अभी मिर्जापुर की शूटिंग हो रही थी ना, मिर्जापुर देखा है ना OTT प्लेटफॉर्म में, मिर्जापुर को शूट करने के लिए उनको 200 लोग लगते हैं भाई पूरे मिलाकर। एक्टर्स ही नहीं है उसमें, बैक ऑफिस स्टाफ होता है, स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, वहां का जो वीडियो शूट करता है डायरेक्टर है, एक्टर्स है, उनका मेकअप करने वाले लोग हैं, चाय पानी, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, पूरा सामान इधर से उधर लेकर आना, उनको 200 लोग लगते हैं, सबका पगार, सबके टाइमिंग, है ना। तो मल्टी डिसिप्लिनरी है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है। तो इट इन ऑल एरियाज हमको लोग चाहिए, मोटिवेटेड लोग चाहिए जो काम करे और कंपनी या संस्था को आगे बढ़ाए। इट हैज डाइवर्सिफाइड फंक्शन। क्यों डाइवर्सिफाइड? तुमको लोग चाहिए, बायोडाटा आने से पहले लोग कितने चाहिए, उसको मैन पावर प्लानिंग बोलते हैं। इन लोगों ने मैन पावर प्लानिंग लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ इधर, मैन पावर प्लानिंग सबसे पहले आएगा, मैन पावर प्लानिंग, ठीक है, या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी बोलते हैं। फिर बायोडाटा आने तक रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग, अपॉइंटमेंट मतलब सिलेक्शन,
एक्चुअली स्टाफिंग के अंदर ये सब फंक्शन आएगा। इन लोगों ने स्टाफिंग जो बोला है वो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि स्टाफिंग बेसिकली मैन पावर प्लानिंग में आएगा, कितने लोग चाहिए, और स्टाफिंग ही रिक्रूटमेंट सिलेक्शन सब बोलते हैं, बट स्टाफिंग मैनेजमेंट शब्द बोलते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स में स्टाफिंग वर्ड कम यूज होता है। क्या वर्ड यूज होता है? रिक्रूट, पहले तो मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन, वेज और सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब आता है, बहुत सारे चीजें आता है। मतलब तुम 500 पेज की बुक भी लोगों ने लिखी है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये। इनफैक्ट इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि तुमको थर्ड सेम स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट है। फिर इट इज अ बैकबोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक सिंपल सा हिसाब ले लो, आज गूगल, ठीक है, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप किसने खरीदा? फेसबुक ने खरीदा। कितना दिया? 20,000 करोड़ दिया। लोग कितने थे उसमें? 50-100 लोग काम करने, 50 लोग, 100 लोग। तो इन लोग से पूरा व्हाट्सएप, अभी भी व्हाट्सएप पे 500 के ऊपर लोग नहीं है काम करने वाले, आए समझ में? सो बैकबोन है ना भाई। तुम आज रिलायंस में 2.5 लाख लोग काम करते हैं, रिलायंस में कितने लोग काम करते हैं? 2,50,000। तब जाकर तो वो लोग क्या बोलते हैं, इंडिया के नंबर वन प्राइवेट सेक्टर है एंटरप्राइज। अभी उन लोगों ने मेट्रो मॉल को खरीदा है, कि मेट्रो मॉल को 4,500 करोड़ में खरीदा है। जर्मन कंपनी है इंडिया की, लगातार लॉस कर रही थी तो रिलायंस ने खरीद लिया। सो अब वहां पे वापस से लोग आएंगे, लोगों का पगार आएगा, काम आएगा, आया समझ में? सो बैकबोन है ना भाई। अच्छा तुमको एक बात बताता हूँ, जो एप्पल कंपनी है, एप्पल आज तो वर्ल्ड की सबसे महंगी जिसमें मानी जाती है कंपनी, उसके सेलफोन तो वर्ल्ड फेमस है, बट एक ऐसा जमाना था जब 3 ही महीने थे बंद होने के लिए, क्योंकि स्टीव जॉब्स को हकाल दिया था उन्होंने। अब स्टीव जॉब्स को वापस लिया तो स्टीव जॉब ने क्या टीम बनाना शुरू किया। स्टीव जॉब्स ने एक आदमी जो था बहुत साल से एप्पल में था, लेकिन उसकी कदर किसी को नहीं थी, उसका नाम था जोनाथन आइव। ये तुम्हारे सारे के सारे आईफोन डिजाइनिंग में उसका सबसे बड़ा हाथ है, इतना बड़ा हाथ है कि उसको सर की पदवी मिली है। उसके नाम पे 6,000 के ऊपर पेटेंट्स है। तो उसने एक्चुअली सब क्रेडिट, सब स्टीव जॉब्स को सब लोग जानते हैं, बट उसने जोनाथन आइव को फ्री हैंड दिया। फिर उन्होंने आईपॉड, आईपैड, आईफोन ये सब डेवलप किया, ठीक है। इट इज अ ब्रेन बिहाइंड स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी क्या है? तुमने प्लान बना लिया कि तुम 5G लॉन्च करोगे। 5G लॉन्च लोगों के थ्रू होता है, 5G तो इन्होंने वेव्स खरीदे ना गवर्नमेंट से, बट लॉन्चिंग के लिए कौन लगेगा? लोग लगेंगे। कल ही हैदराबाद में लॉन्च हुआ है, नासिक में आते आते 2023 हो जाएगा, लेकिन नासिक में उनको लोग लगेंगे भाई लॉन्च करने के लिए। सो इट इज द ब्रेन बिहाइंड स्ट्रेटेजीज, इट इज एम्प्लॉय ओरिएंटेड, पूरा का पूरा एम्प्लॉय है भाई। तुमको एक बात बताता हूँ, एक आदमी जो मिलिट्री में काम करता है वो रिटायर होता है, उसके बाद गवर्नमेंट पेंशन देता है 25-30 हज़ार रुपया, उससे तो उसका घर चलता है। एम्प्लॉय ओरिएंटेड, क्योंकि पूरा जिंदगी मिलिट्री वाले ने गवर्नमेंट में काम किया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो तो पगार पर डिपेंड था, तो इससे तो पेंशन दिया जाता है कि वो आदमी क्यों गवर्नमेंट, लोग क्यों गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, सिक्योरिटी देता है, फैसिलिटीज देते हैं, ठीक है ना। सो इट इज एम्प्लॉय ओरिएंटेड, इट इज डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तुम देखो आजकल कंपनीज में लगातार ट्रेनिंग चालू रहते हैं, वो ट्रेनिंग पुलिस फोर्स में भी, पुलिस फोर्स बंदूक हर कोई पुलिसमैन थोड़ी चलाएगा, रिफ्रेशर ट्रेनिंग बोलते हैं। कंपनी में स्किल बढ़ाने की ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग रहती है, वर्कर का ट्रेनिंग अलग रहता है, वो टेक्निकल होगा, लीडरशिप में बॉस का ट्रेनिंग अलग होगा। सो यदि तुम एक टोयोटा का डीलरशिप में जाओगे, वहां ब्रांच मैनेजर का ट्रेनिंग अलग होगा, सेल्स मैनेजर का अलग होगा, एग्जीक्यूटिव स्टाफ का अलग होगा, सर्विस जो करते गाड़ी उनका अलग होगा, सबका ट्रेनिंग, क्योंकि सबको स्किल डेवलप करना है ना, फ्यूचरिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। कैसे हो रहा है आज से, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है ना, साबुन ये सब बनाती है, क्लोर, टूथपेस्ट, तो जब दुकान में जाते थे तो कागज में लिखते थे, हाँ तेरे को कितने टूथपेस्ट चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए। अभी पाम टॉप पता है ना, जैसे मोबाइल है वैसे एक पाम टॉप आ गया, हाथ में वो लोग लिखते हैं, मतलब नहीं, मोबाइल जैसा एक गैजेट आ गया है, उसमें वो लोग इलेक्ट्रॉनिक लिखते हैं, और वो ऑर्डर सीधा चला जाता है इधर होलसेलर के पास। तो ये सब के लिए यूज करने के लिए ट्रेनिंग लगता है ना, तो फ्यूचरिस्टिक। अभी तो जमाना इतना आगे बढ़ गया है कि सब स्कैन करके हो जाएगा, है ना।
आजकल क्यूआर कोड से ही सब हो जाता है, अपने क्लास का भी क्यूआर कोड है उससे हो जाता है। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। आजकल अभी कोविड था, ठीक है, कोविड के टाइम में वर्क फ्रॉम होम था। अभी वर्क फ्रॉम होम में अभी विप्रो ले लो, हजारों एम्प्लॉयज है, कैसे मैनेज करेगा सब घर पे? तो उन्होंने मोबाइल ऐप बना दिया, किसी को कुछ कंप्लेन डालना है तो उसमें डाल सकते हैं तुम मोबाइल ऐप से। अच्छा, लैपटॉप हर जगह कैरी नहीं हो सकता, मोबाइल होता है। लैपटॉप कैरी भी किया तो उसका बैटरी ड्रेन हो सकता है या दिक्कत आया हो सकता है। तो उन्होंने ऐसा बनाया कि तुम बस में भी बैठ के काम कर सकते हो। सो बोलते ना, जमाना इतना आगे आ गया है कि सब उनका टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है। आजकल जो इंडियन रेलवेज भी टिकट तो दे रहा है, लेकिन बाकी सब इंटरनल काम सब कंप्यूटर लैपटॉप से हो रहे, कागज का सेविंग्स हो रहा है। टेक्नोलॉजी सब फ्यूचर ओरिएंटेड हो गया ना, और ग्रोथ ओरिएंटेड है। तुम देखोगे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, हजारों लाखों लोग काम करते हैं। एक दो एम्प्लॉय से शुरू हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट में कितने थे, दो तीन लोग थे, फिर धीरे धीरे बिल गेट्स जो जिसको माना जाता है, फिर एक एक करके आ गया है और काफी डेवलपमेंट हो गया। करेक्ट, क्लियर यहां तक सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है देखो, यहाँ पे ये क्या था, स्कोप, ये अलग से वीडियो में बनाऊंगा। फीचर सबको समझ में आया? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।